पार्ट है हमारा फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट द 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू। जो फेरस मिनरल्स है वो हमारी टोटल वैल्यू का 3/4 पार्ट है। एंड द प्रोडक्शन इन द मेटलिक मिनरल्स एंड दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट फॉर मेटलॉजिकली इंडस्ट्रीज। एंड इंडिया एक्सपोर्टेड द सबस्टेंटिकली क्वान्टिटी द फेरस मिनरल आफ्टर द मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। अब आयरन ओर आर द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। जो आयरन ओर है वो बेसिक मिनरल और जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है इसकी बैकबोन कही जाती है। इंडिया इज एंड ओर विथ द फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ द आयरन ओर। इंडिया इज अ रिच इन द गुड क्वालिटी आयरन ओर। एंड मैग्नेटाइट इज द नेस आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ द आयरन अप टू द 70%। एंड इट हैज द एक्सीलेंट मैग्नेटाइट क्वालिटी एस्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एंड हेमेटाइट और इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आयरन ओर। जो हेमेटाइट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। इन द टर्म ऑफ द क्वान्टिटी यूज एज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट एंड द मैग्नेटाइट 50-60%। इन द कैनेडा मीन्स द हॉट दैट द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका एंड रिसेंबल्स द फेस द हॉट एंड द बेलेडिला हिल्स लुक लाइक अ हम्प ऑफ द ऑक्स एंड हेयर इज इट्स नेम। अ मेजर आयरन बेल्ट इन इंडियन अर्थ। इंडिया की मेजर आयरन बेल्ट दीज आर द फॉलोइंग। ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा की झारखंड बेल्ट है। इन ओडिशा द हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर आर फाउंड इन द मैडम परस माइन इन द कोंडा डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग द सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। एंड हेमेटाइट आयरन ओर इज द माइन टू द गोवा टू द नैनमुड़ी एंड दुर्ग बस्तर एंड चांदपुर बेल्ट इज लाई इन द छत्तीसगढ़। दुर्ग और बस्तर की जो माइंस है वो कहाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। एंड द महाराष्ट्र वेरी हाई ग्रेट हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस एंड द बालर रेंजेस टू द हिल इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। अ रेंज ऑफ द हिल कंप्रेस ऑफ द 14 डिपोजिट। इसके अंदर डिपोजिट 14 हैं। द सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर जो कि सुपरटाइट हेमेटाइट आयरन ओर कहलाती हैं। इट हैज टू द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बेस्ट हैं। एंड नीडेड फॉर द स्टील मेकिंग जो कि स्टील बनाने में काम आती है। आयरन ओर आर दीज द माइन इज द एक्सपोर्टेड टू द जापान एंड साउथ कोरिया विया द विशाखापट्टनम पोर्ट। ये विशाखापट्टनम पोर्ट के पास है। एंड द बलोरी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु एंड तमकोरु बेल्ट इन द कर्नाटका हैज द लार्ज रिजर्व ऑफ द आयरन ओर। द पंडरमुख माइन लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका। ये कर्नाटका की वेस्टर्न घाट में है। आर द 100% एक्सपोर्टेड यूनाइट और ये 100% एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड द कुद्रमुख डिपोजिट आर नोन एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। दिस ओर इज ट्रांसपोर्टेड प्योरली थ्रू द पाइपलाइन एंड फोर्ड नियर द मैंगलुरु। ये मैंगलुरु में है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ द गोवा एंड रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र थ्रू द ओर्स आर नोन टू द वेरी हाई क्वालिटी इन दे आर द एफिशियंसी एक्सपोर्टेड आयरन एक्सपोर्टेड थ्रू द मनगांव पोर्ट।
है, मैग्नीज इज द मेनली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील एंड द फेरो मैग्नीज। जो मैग्नीज है वो मोस्टली यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टील में एंड फेरस मैग्नीज एलॉय, एंड नियरली द 10 kg ऑफ द मैग्नीज इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टू द टन ऑफ द स्टील। एक टन स्टील बनाने में 10 kg मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में भी काम आता है। एंड इंसेक्टिसाइड एंड द पेंट, और इंसेक्टिसाइड और उसको पेंट करने में भी काम आता है। उसके बाद में नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स दीज रिजर्व टू द प्रोडक्शन ऑफ द नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट टू सेटिस्फैक्ट्री। हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूडेड द कॉपर ऑक्साइड एंड जिंक गोल्ड प्ले द वीटल रोल इन द नंबर एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एंड द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लेट्स टू स्टडी द डिस्ट्रिक्ट कॉपर एंड द बॉक्साइट। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।